मान गए? नहीं माजा, हमने पूरी कोशिश की पर वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि नंदिनी बहू अब इस घर में नहीं रहेंगी। कुछ तो गड़बड़ है। शाम के पार्टी के समय राजवीर के तेवर कुछ अलग थे और कुछ ही घंटों में बदल कैसे गए? माजा, कौन जान सकता है कि पति पत्नी के बीच में क्या पर्सनल बातें होती है। गायत्री, आप जरा कुछ ज्यादा ही शांति से काम ले रही हैं। जहाँ इतनी उथल पुथल मच गई, यहाँ तक कि हम हैरान परेशान हो गए, आपके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं है। क्या ये आंधी आपकी फूकी हुई नहीं है? क्या इस सब के पीछे आपकी गंदी राजनीति का हाथ तो नहीं है? मां साहब, हम पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकती। आपको क्या लगता है कि हम परेशान नहीं है? पर आप ही बताइए, अपने आप को परेशान दिखाकर क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हमसे जो हो सकता था मासा हमने किया, पर राजवीर अपने जिद पर अड़े हुए हैं और उनसे कौन जीत सकता है मासा? केवल आप। आप कौन सी चाल चलने की सोच रही है? तो आप अभी भी हमसे टकराने का हौसला रखती हैं? देख नहीं रही हैं कि आप कहीं की नहीं रही? जिस राजवीर के लिए आप हमसे लड़ती रही, उन्होंने ही आपको घर से निकालने का फैसला कर लिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने हम पर, गायत्री विजेंद्र रघुवंशी पर, उंगली उठाई। पर सच कहें, एक मिनट के लिए तो हम डर ही गए थे जब आप राजवीर को हमारी सच्चाई बता रही थी। पर आखिरकार खून ने खून की ही तरफदारी की ना। नंदिनी, एक प्यादे का सच कोई मायने नहीं रखता। वो तो होता है यह शहीद होने के लिए, बचती तो सिर्फ रानी ही है। वैसे इसमें हमने कुछ नहीं किया, कुल्हाड़ी तो आपने खुद अपने पैरों पर मारी। कहा राजवीर आपके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करने जा रहे थे और आपने उसे नफरत में बदल दिया। अब क्या करेगी ये? मंगलसूत्र, सिंदूर लगाने वाली धर्मपत्नी, मुझे उस तमाचे की गूंज अभी भी सुनाई दे रही। एक बात कहें, राजवीर के पियानो के सुरों से कहीं ज्यादा मीठी आवाज लगी हमें। बिना चाल चले ही हम आपको शिकस्त दे रहे हैं। अब राजवीर संगीत नहीं, सियासत करेंगे। हमारा और अपने पिता का सपना पूरा करेंगे। तो आपने मुझे मात दे ही दी। कोई शक? चेक नंदिनी, चेक। शहमात, आप हार गई। अब इस खेल से बाहर और इस घर से भी बाहर। जाने कब बीतेगी ये रात और हमें कब छुटकारा मिलेगा आपसे। राजवीर जी, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए।
अपने मुंह से हमारा नाम मत लीजिए। काश आपको मेरी सच्चाई पता चल जाती तो हम इस तरह से दूर नहीं होते। नंदिनी, काश कि आप वैसी होती जैसा हम आपके बारे में आज तक समझ रहे थे, तो आज हम अलग नहीं हो रहे होते। वैलेंटाइंस डे के दिन आपकी इस बात के सामने हमारा प्यार और सरप्राइज दोनों ही छोटे पड़ गए। नंदिनी बहू, एक बात कहें, हर रात की सुबह तय है और इतनी उम्र तो हमने गुजार ली है कि सही और गलत का फर्क हम किसी की आंखों में, किसी की हरकतों में पढ़ पाए। हम ये भी जानते हैं आप दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। आप बेशक हमें ना बताएं, लेकिन नंदिनी, हमें आप पे पूरा भरोसा है। हमारा दिल तो ये भी मानने से इनकार करता है कि आप कुछ गलत कर सकती हैं। आप गलत नहीं हैं। हम अपने पोते को भी जानते हैं, वो बहुत भोले हैं, दुनिया की दाव पेच वो नहीं समझते। जब आप शादी करके आई थी इस घर में तो हमने सोचा था कि आप हमारे कुंवर को संभाल लेंगे। हमने आप में कुंवर के लिए प्यार और समर्पण देखा है जैसा कभी इस घर ने नहीं देखा था। नंदिनी, आप कुंवर की जिंदगी का उजाला हैं और हम इस उजाले को हमारे कुंवर से दूर जाता नहीं देख सकते। भले वो आपको जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो खुद अपनी जिद से खुश नहीं है। उसका दर्द हमने उनकी आंखों में पढ़ा है। नंदिनी, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपको यहाँ रुकना होगा। आपका यहाँ रहना इस परिवार के लिए, हमारे कुंवर के लिए बहुत जरूरी है। आप अपनी दादी सा की बात मानेंगी ना?
नंदिनी, भले वो आपको जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो खुद अपनी जिद से खुश नहीं है। उसका दर्द हमने उनकी आंखों में पढ़ा है। रुक जाइए नंदिनी। माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हैं आप नंदिनी? मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आशा प्लीज मुझे इस घर में रहने की जगह दीजिए। ये कौन सा नया खेल खेल रही हैं नंदिनी? मासा, मैं सबके सामने अपनी गलती मानती हूँ और यहाँ रहकर प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। आशा प्लीज प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। राजवीर जी प्लीज। नंदिनी अब इसका कोई मतलब नहीं। आपने माँ के खिलाफ जो कुछ भी कहा उसके लिए हमारी नजर में कोई माफी नहीं। हमने आपको पूरी रात इस घर में रहने का मौका दिया, अब आपको यहां से जाना होगा। क्या दिन देखना पड़ रहा है हमें, जिसे इतने मान सम्मान से रीति रिवाज से इस घर में ब्याह कर लाए हैं, जिसे गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया था, उसे आज घर से निकाला जा रहा है। दादी आपको पता नहीं है। वजह हम जानना भी नहीं चाहते। नंदिनी ने अपने गलती के लिए माफी मांग ली है और ये खोखली माफी नहीं है, वो अपने किए पे शर्मिंदा है। माफी के अलावा और आप क्या चाहती है नंदिनी से? गायत्री मासा, हम तो चाहते हैं कि नंदिनी बहू घर छोड़कर ना जाए। तो रोकिए कुंवर को। राजवीर बेटा, ऐसा कौन सा घर है जहां सदस्यों के बीच में खटपट नहीं होती? और हम तो माँ है ना, माँ तो अपने बच्चे को हर हाल में माफ कर देती। माँ जो भी हो, हम नंदिनी को माफ नहीं कर सकते। बेटा सजा देने से माफ करने वाला बड़ा होता है। और देखिए नंदिनी बहू ने सबके सामने तो माफी मांग ली है ना एक बार। चलिए गुस्सा थूक दीजिए, एक और मौका दे दीजिए नंदिनी बहू को। हम आपसे कह रहे हैं हमारी बात तो मानेंगे ना। देख ली मां की ममता, कितना बड़ा दिल है इनका। सिर्फ और सिर्फ हम इनके वजह से आपको एक और मौका दे रहे हैं। मां साहब, सच में बहुत बड़ा दिल है आपका। अब ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। अपने गलतियों का प्रायश्चित करूंगी। एक अच्छी बहू बनकर और एक अच्छी पत्नी बनकर। और आपको शिकायत का दोबारा कभी मौका नहीं दूंगी। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है नंदिनी बहू। बस मासा, अब तो आपका आशीर्वाद भी मिल गया। अब मैं अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगी। प्रायश्चित करने
नंदिनी बहू रुकिए, किशन सिंह जी। जी हुकुम। नंदिनी बहू का सूटकेस उनके कमरे में रख लीजिए। जी हुकुम। दादी साहब, मैं राजवीर जी के लिए, पूरे परिवार के मान सम्मान, खुशी के लिए, पूरे परिवार के रक्षा के लिए कुछ भी करूंगी, अपनी जान तक दे दूंगी, लेकिन इस परिवार पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है बहू। आपका ये समर्पण आपके बर्ताव में साफ नजर आता है। हमने पहले भी कहा है और फिर से कह रहे हैं, यहाँ जो कुछ हुआ, जिसके लिए ये नौबत आई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, पर फिर भी आपने माफी मांगी, हमारी बात का मान रखा और आप यहाँ रुक गई, इससे आप हमारी नजरों में और भी ऊंची हो गई। अब मान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ना, ये काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्ते का दामन थामे रखना, बनाए रखना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। दादी साहब, मैं आपके यकीन को कायम रखूंगी और आपके भरोसे को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचने दूं। हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसी कठिन घड़ी में ईश्वर आपका सब्र ऐसे ही बनाए रखे और जल्द से जल्द कुंवर को सही और गलत का फर्क ईश्वर समझाए। एक सही चाल पूरी बिसात को पलट कर रख देती है ना मासा? अपने प्यादे को तुच्छ समझकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप भूल कैसे गए कि छह के बाद सामने वाले को और एक मौका मिलता है। मौका तो आपको मिला है, पर गिड़गिड़ाने के बाद। आपको अपनी औकात तो दिखा दी है ना हमने? यही आपकी मात है। ओ, लगता है आपको हमारे पैरों में पड़ने की आदत हो गई। आज आपको रियलाइज हो ही गया है कि आपकी असली जगह कहाँ है, इसीलिए अपनी जगह आप हमारे पैरों में ढूंढ रही हैं। नहीं, रानी की असली जगह तो राजा के दिल में होती। मैं तो बस जमीन पे गिरी रानी को उसकी असली जगह पर रख रही, क्योंकि मात अभी तक हुई नहीं। रानी अभी भी राजा के साथ, और ये खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक राजा रानी का साथ रहेगा। लगता है आपको गलतफहमियां बहुत जल्दी हो जाती है मासा। गलतफहमी का शिकार तो आप हैं नंदिनी। राजा तो आपको एक आंख देखना भी नहीं चाहता, नफरत करता है आपसे। उस राजा की रानी होने का दावा कर रही हैं आप? यानी आप मेरी चाल अभी तक समझी ही नहीं। राजा तो रानी के बिना रह ही नहीं सकता। एक कहावत है, जैसे को तैसा, सुनी है ना आपने? मैंने भी वही किया। वो कहते हैं ना कि दुश्मन से सीख लेने वाला सबसे ज्यादा समझदार होता है। आप जैसे राजवीर जी के सामने दिन रात अच्छे होने का ढोंग करती रहती, मैं भी अब वही करूं। आपने मुझे प्यादा समझकर मेरी और राजवीर जी की शादी करवाई,
जैसे आपने उन्हें यकीन दिलवाया कि ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की, जैसे आपने मेरे पति पर हमला करवाया सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के, तो मैंने भी सोच लोहे को काटने के लिए लोहे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं इस घर से दस से मत नहीं होने वाली।